तो हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस ने लोगों की और चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस कोरोना महामारी से ग्रस्त उन लोगों की ज्यादा चिंता बढ़ा दी है जो कि पहले से कैंसर शुगर के मरीज हैं। उन्होंने कोरोना को मात तो दे दी है, मगर कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें ब्लैक फंगस ने पकड़ लिया है। रोहतक पीजीआई में बात करें तो अकेले यहां 240 मरीज आ चुके हैं और 227 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती बताए जा रहे हैं, जिसमें से ब्लैक फंगस के ग्रस्त 127 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। ब्लैक फंगस से पीजीआई में 4 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। जब से ये ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं, अब तक हमारे पास 240 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल इनमें से आज की तारीख में 227 मरीज पीजीआई रोहतक में ब्लैक फंगस के दाखिल हैं। इनमें से करीब करीब 127 पेशेंट्स की सर्जरी हो चुकी है, बाकी सभी पेशेंट्स का दवाइयों के जरिए इलाज चल रहा है, क्योंकि सर्जरी से पहले इन सभी मरीजों को एनेस्थीजिया के लिए फिटनेस लेना होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मोस्टली ये मरीज डायबिटीज के हैं जिनको ब्लैक फंगस हुआ हुआ है, तो हमें ऑपरेशन से पहले एनेस्थीजिया की फिटनेस के लिए इन सब का ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है। तो ये रोहतक की आपको जानकारी बता रहे, जहां पर ब्लैक फंगस का खतरा लगातार अब भी बरकरार बताया जा रहा है, क्योंकि 227 मरीज पीजीआई में अब भी ब्लैक फंगस के मरीज बताए जा रहे हैं, जिनका दाखिला किया गया है और साथ ही साथ उनका इलाज जारी है। तो देखिए किस तरीके से कोरोना से तो जंग जीतती हुई हरियाणा नजर आ रही है, लेकिन अभी भी हरियाणा के कई ऐसे इलाके जहां पर ब्लैक फंगस के मामलों की पुष्टि की जा रही है। खासतौर पर उन मरीजों में ये डर सबसे ज्यादा बना हुआ है जो कि या तो पहले से डायबिटिक है या फिर कोरोना से ग्रसित होकर के वो ठीक हो चुके हैं, और उन मरीजों में भी इसका डर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जिनको पहले से ही हाइपरटेंशन हो या फिर जो शुगर के अगर बीमारी की बात की जाए, जो शुगर जब उनको होता है तो उस टाइम पर अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो उन्हें सबसे ज्यादा डर इस वजह से है क्योंकि ब्लैक फंगस ऐसे में उनके शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और यही वो कारण बताया जाता है जिस वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इन पेशेंट्स को अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखना चाहिए।